इस वक्त की बड़ी खबर मुंगेर से, CISF जवान की पत्नी की हत्या, अपराधियों ने घर में घुसकर गोलियों से गूंजा। बता दें कि मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चुआबाग स्थित आमगाछी टोला में अहले सुबह बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर CISF जवान की पत्नी दीपिका शर्मा को गोलियों से भूंज डाला। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मित्रा का पति रवि शर्मा CISF जवान में है और झारखंड के धनबाद में पदस्थापित है। घटनास्थल से पुलिस ने 5 खोखा, 2 मिस फायर गोली व 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। सदर अस्पताल पहुंचे मित्रा के भाई होनू ने ससुराल वालों पर अपनी मां के हत्यारों पर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि दीपिका शर्मा अपने ससुराल में सास व देवर के साथ रहती थी। सुबह लगभग 5:30 बजे वह उठी और घर से सटे बाड़ी स्थित शौचालय की तरफ बढ़ी। तभी पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने महिला पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही महिला आंगन में गिर पड़ी, जबकि अपराधी बाड़ी होते हुए भाग निकले। गोली की आवाज़ सुनकर महिला की सास गायत्री देवी देवर, छोटू शर्मा कुपेरा देवर, सुमित शर्मा कमरा खोलने का प्रयास किया, लेकिन कमरा को अपराधियों ने बाहर से बंद कर दिया था। जिसके बाद परिजन शोर मचाने लगे। शोर एवं गोली की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी पहुंचे और कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन तब तक दीपिका शर्मा दम तोड़ चुकी थी। इसके बाद परिजन ने घटना की सूचना कासिम बाजार थाना पुलिस को दी। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि बाड़ी की तरफ से एक अपराधी को भागते देखा गया है। पुलिस सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बता दें कि अपनी मां की हत्या में चश्मदीद गवाह थी मृतिका। सूचना मिलने पर शामपुर सहायक थाना क्षेत्र के लोहची से सुबह लगभग 10 बजे मृतिका के भाई भोनू कुमार व सोनू कुमार सदर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान भाइयों ने आरोप लगाया है कि उसके पति का एफआईआर दूसरे लड़की से है। ससुराल वालों व उनकी मां के हत्याकांड में नामजद अभियुक्तों से मिलकर उनकी बहन की हत्या कर दी, क्योंकि उनकी मां के हत्याकांड का उनकी बहन चश्मदीद गवाह थी। कासिम बाजार थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि चुआ बाग स्थित आमगाछी टोला में अपराधियों ने दीपिका शर्मा की गोली मार हत्या कर दी है। घटना स्थल से 5 खोखा, 2 मिस फायर कारतूस, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। मृतका के भाई ने ससुराल वालों व अन्य पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस अपने स्तर से हत्याकांड के विभिन्न बिंदुओं पर जाँच कर रही है। उनको गोली मार दिया गया सुबह 5 बजे घर में ही, घर के कैंपस में गोली लग गया। उनके मामला है, घरेलू हिंसा का ही मामला था और एक केस मेरी माँ का मर्डर हुआ था तो उसमें भी चला था, उसमें मुख्य आई विटनेस थी, इसमें भी इसको गोली लगा था जिसमें इसका जान बच गया था। विटनेस थी, अगर गवाह देती तो उधर वाला पार्टी को प्रॉब्लम हो जाता इसलिए। और इधर था क्या कि घरेलू हिंसा चल रहा था, ये लोग न माइकी आने देता था, ना हम लोग से बात करने देता था, और इसका पति रवि शर्मा का लव अफेयर कहीं और चल रहा था। ये सोचा इसको मरवा के दूसरा शादी कर लेंगे हम। मना किया, गवाह कर देने के लिए दोनों मना कर रहा था, वो पार्टी भी इसको टॉर्चर कर रहा था तो गवाह नहीं देना है, और इसके घर से भी सब मना कर रहा था। बयापुर थाना अध्यक्ष आए थे गवाह लेने के लिए, ये लोग मना करके उनको बोला आप जाइए गवाह नहीं होगा। क्या हुई है, वो कौन है? मेरी बहन है। क्या नाम है उनका? दीपिका शर्मा। आपका क्या नाम है? कुमार भानु। मेरा घर कहाँ है? मेरा बहादुरपुर लोची घर है।